नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज हम आपको लेके एक बार फिर से आ चुके हैं। हमारे हिंदी जगत के जितने भी सितारे हैं, जितने भी कलाकार हैं, आज उनके घर दिखाने वाले हैं एक बार फिर से इस वीडियो में। तो आप लोग हमारी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में दिग्गज से दिग्गज कलाकार के घर दिखाने वाले, जैसे कि हमारी लता मंगेशकर जी हो गई और मुकेश अम्बानी जी हो गए, जो कि आप लोग को पता ही है जियो कंपनी के मालिक हैं और ये हमारे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और साथ ही में दिखाएंगे सुनील शेट्टी जी का घर, और भी जो एक्टर के घर मिल जाएंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये यहाँ पे ठीक यहाँ से 100 मीटर की रेंज में हमारे मुकेश अम्बानी जी का घर है, जैसा कि यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिख भी रहा होगा। और तो यहाँ पे मुकेश अम्बानी के घर के पास का वीडियो दिखाएंगे यहाँ से, जो भी मिल पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और इसके आगे और हम इस जगह की बात कर लेते हैं, तो अभी हम खड़े हैं मुंबई सेंट्रल के हाजी अली, या माँ लक्ष्मी भी आप कह सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी में हम अभी इस समय खड़े हैं और मुकेश अम्बानी जी के घर के सामने। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोग को सुनील शेट्टी और इन सभी बॉलीवुड एक्टरों के। अभी हम पहुंच गए हैं लता मंगेशकर जी के घर के पास। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल ही उनका देहांत हुआ है, यानी 6 फरवरी को उनका देहांत हो गया है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हैं। और ये है वो बिल्डिंग जिसमें लता मंगेशकर जी रहती हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग उन्हीं की है। और अभी हम रोड के इस पार खड़े हैं, हालांकि वो उस पार भी चलेंगे और आपको दिखा देंगे अच्छी तरीका से और कहाँ पे रहती थी, किस घर में रहती थी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कल्याण जी वीरजी शाह चौक है और ऊपर लिखा हुआ है सारे गामा पादानी। जो संगीत वाले हैं उनको तो काफ़ी अच्छी तरीका से मालूम होगा इन सब का। और ये है लता जी का घर और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु कुंज। तो ये आप देख सकते हैं प्रभु कुंज, ये है लता जी का घर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी हाल ही में लता जी का देहांत हुआ है, जैसा कि आज दूसरा दिन है उनका, और कल आज 7 तारीख है और कल 6 तारीख था। तो कल उनका देहांत हुआ है, तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लगा है और पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इस साइड मीडिया वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मीडिया वाले बहुत सारे हैं। और ये कुछ से मुझे लगता है कोई मंत्री या नेता मिलने आया होगा, इसके लिए ये उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग को और बिल्डिंग का नाम, तो इसी में लता जी रहती थी जो हमारे बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेहतरीन बेहतरीन गाने दिए हैं। तो ये आप लोग को एक बार फिर से वापस दिखा रहा हूँ पूरी बिल्डिंग को। दोस्तों, अभी हम आगे जा रहे हैं मुकेश अम्बानी जी के घर के पास, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। तो अभी हम वहाँ से बहुत दूर पे खड़े हैं सिग्नल के पास और यहाँ से पूरी बिल्डिंग का नज़ारा आ रहा है। हालांकि आगे एक बिल्डिंग है, उसके वजह से पूरा व्यू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे पूरा। आगे चलेंगे वहाँ बिल्डिंग के पास तक, फिर आपको दिखाते हैं। भाई ये बिल्डिंग देखिए यार, आसमान को चूम रही है, पूरे कांच से बनी हुई है ये। और उसके ठीक पास में है अम्बानी का घर, लेकिन ये पूरा नहीं आ पा रहा है यहाँ से, बट यहीं से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चलेंगे आगे और दिखाएंगे। अनुज भाई आगे आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अम्बानी जी का घर, यहीं से करा था जो मैं। दोस्तों, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये है मुकेश अम्बानी जी का घर। और हम थोड़ा दूर वहाँ उनके घर से दूर खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो आप समझ ही सकते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन है तो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहेगी। तो ये है उनका घर और थोड़ा सा अभी दिखेगा किधर से, तो वो भी हम दिखा देंगे, लेकिन मेन गेट से दिखाना बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा दूर दूर से ही दिखा सकते हैं आपको।
तो जितना हो सकेगा हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ से बैक कैमरा से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लुक दिखाई पड़ता है और काफ़ी अच्छा लुक बना हुआ है। थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो ये देखिए किस प्रकार से दिख रहा है गगन को चूमते हुए, एकदम ऐसा लगता है कि आसमान में ये घर बना हुआ है। तो और इसके बाजू में भी ये आप देख सकते हैं जिसको हमने पहले दिखा दिया है लोधा, इसका नाम है लोधा और ये इसका नाम है लोधा और ये है मुकेश अम्बानी जी का घर, जिसमें मुकेश अम्बानी अपने फैमिली के साथ इसी में रहते हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम थोड़ा और पास आ चुके हैं तो यहाँ से पूरी बिल्डिंग का नज़ारा हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं और ये सन की लाइट आ रही कांच पे, तो ये आप देख सकते हैं सूरज की लाइट आ रही है इस पर तो किस प्रकार से चमक रहा है। और इसको यहाँ पे देख सकते हैं ये पिलर बना हुआ है डब्लू के आकार में, और पीछे वो बिल्डिंग भी देख सकते हैं लोधा वाली, वो भी काफ़ी अच्छी बनी है, कांच की बिल्डिंग है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है अम्बानी जी का घर। और ये रोड है, ये रोड से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे उनका मेन गेट आ जाएगा, तो ये आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से है। और इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये देखिए पूरा आसमान में, ऐसा लग रहा है आसमान में ही बना हुआ है। अभी हम जा रहे थे सुनील शेट्टी जी के घर के पास तो रास्ते में एक बोर्ड मिल गया, उसको हम दिखा देते हैं, जिसको ये आप पढ़ सकते हैं खम्बाला हिल एंसेट्री मार्ग। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से आगे जाना पड़ेगा और वहाँ से आगे से राइट लेके फिर देखते हैं उनका घर, यहीं पे दिखा रहा है गूगल मैप में। तो यहाँ से चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कहाँ पर है इनका घर। भाई थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ से उनकी बिल्डिंग दिख जाती है, ये पीछे वाली जो बिल्डिंग है यही बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जिसमें सुनील शेट्टी रहते हैं अन्ना जी। तो ये आप देख सकते हैं ये पीछे वाली जो बिल्डिंग है इधर वाली, ये वो बिल्डिंग है जिसमें। और अभी हम आगे चलते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं अगर दिखाने को मिल गया तो यहाँ से वो गेट दिखाई पड़ जाता है, तो चलिए गेट के पास चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जैसे आप राइट मारेंगे थोड़ा दूर आएंगे तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट दिखाई पड़ जाता है, पृथ्वी अपार्टमेंट। तो इसी में ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के अंदर सुनील शेट्टी जी का घर है। अभी ये कंफर्म नहीं है कौन से माले पे है, तो ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो गाइज अभी हम लोग आगे हैं पीछे के साइड, और पीछे के साइड आएंगे तो आपको ये बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी जिसमें ये पूरी बिल्डिंग नज़र आ जाएगी, हालांकि वहाँ से तो इतना क्लियर और ये आ नहीं रही थी, और यहाँ से आपको पूरी बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। ये वाली बिल्डिंग नहीं है भाई, ये वाली बिल्डिंग है जिसमें उनका फ्लैट है, क्योंकि इस बिल्डिंग में तो रहेंगे नहीं, पब्लिक बिल्डिंग है, ऐसे हाई फाई सोसाइटी है, लेकिन इस बिल्डिंग में वो रहना पसंद नहीं करेंगे। जुहू में शायद उनका बंगला है अंधेरी में, तो वो बंगला भी कभी हम अगर जाएंगे जुहू साइड तो वहाँ से वो बंगला भी दिखा देंगे कहाँ पे है उनका बंगला। फिलहाल इसमें उनका फ्लैट है, इतना कंफर्म है कि इस बिल्डिंग के अंदर पृथ्वी अपार्टमेंट के अंदर उनका फ्लैट है। तो वो फ्लैट आपको दिखा दिया, वो बिल्डिंग दिखा दिया, गेट तक हम गए थे लेकिन सोसाइटी वाले सिक्योरिटी वाले ने मना कर दिया, तो जिसके कारण पूरा नहीं दिखा पाए। और अभी हम पीछे आए हैं तो पीछे से भी आपको थोड़ा सा सीन दिखा दिए हैं। तो थोड़ा सा और आगे आए हैं पीछे के साइड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी अपार्टमेंट लिखा हुआ है और ये पृथ्वी का लोगो भी बना हुआ है पेड़ पे। तो यहाँ से दिखा देते हैं गेट का, शायद एक गेट इधर से भी है, ये पृथ्वी अपार्टमेंट्स लिखा हुआ है और ये गेट है लिखा हुआ है नो एंट्री। तो दोस्तों यहाँ आएंगे तो ये देख सकते हैं ओझा शॉपिंग मॉल है, तो ये आप मॉल देख सकते हैं, नीचे मॉल बना हुआ है और ऊपर पार्किंग एरिया दिया हुआ है जिससे आप लोग पार्किंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं मेन रोड के तरफ और यहाँ से अम्बानी जी के घर का लुक कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है। हालाँकि इसके ठीक सामने समुंदर है, ये रोड है, रोड के थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो समुंदर है, और अम्बानी जी को तो वहाँ से दिखता होगा पूरा समुंदर, और समुंदर से ही अच्छा घर दिखता होगा। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ से घर दिख रहा है,
ये देखो मैं जूम कर दे रहा हूँ। ओ भाई, ये नीचे डब्लू का जो ये पिलर बना है डब्लू वाला, ये उधर से अभी मैं आपको दिखाया था, अभी बिल्कुल ठीक सामने है, तो यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं।